एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कनिका त्यागी और मेरे चैनल पर आपको मिलती है बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और आज मैं आपके साथ में कुछ लाइफ हैक शेयर करने वाली हूं जो आपका लॉन्ड्री गेम बिल्कुल चेंज कर देंगे। सो मैं आज आपके साथ में कुछ ब्रा हैक शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस वीडियो में आप जो भी ब्रा देखेंगे वो सब मैंने कैमिसन रोटिन से ली है। उनके ब्रा की रिव्यू वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनके इनर वियर्स की, मुझे बहुत पसंद आए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो। और रही बात क्वालिटी की, तो आज पक्का वाला क्वालिटी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं हैक करने वाली हूँ उसके लिए एक मजबूत टिकाऊ ब्रा चाहिए। सो आज कैमिसन.इन की इस ब्रा का बिल्कुल बढ़िया वाला टेस्ट होने वाला है। साइड में डिस्प्ले होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि इन ब्रा हैक्स को किस तरह से यूज़ करना है। सबसे बड़े इशू की बात करते हैं, तो होता क्या है, यूजुअली हम लोग जब प्लेन टॉप या टी शर्ट्स पहनती हैं, स्पेशली जो हमारे फिटिंग के होते हैं, उसके नीचे पैडेड ब्रा ना पहने तो सबसे बड़ा इशू हो जाता है निप्पल शो का। सो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है घर में भी और बाहर भी, एंड मोस्टली ये सबके साथ हो जाता है जब आप नॉन पैडेड ब्रा पहनते हो। इससे बचने के लिए एक इजी सा हैक मेरे पास है। यूजुअली टी शर्ट के नीचे टी शर्ट ब्रा ही पहनी जाती हैं, सीमलेस ब्रा पहनी जाती हैं या फिर स्पोर्ट्स ब्रा पहनी जाती है। मैं चाहे स्पोर्ट्स ब्रा पहनो लाइक दस, बस्ट एरिया हैवी है, तो चाहे आप फुल कवरेज ब्रा पहनो टी शर्ट्स या टॉप्स के नीचे, आप चाहो तो अपनी एवरीडे ब्रा भी टी शर्ट या टॉप्स के नीचे पहन सकते हो, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे। लेकिन बात सिर्फ कम्फर्ट की नहीं है, बात फिटिंग की भी है। टी शर्ट्स पहनते हो, प्लेन फिटेड टॉप्स पहनते हो, तो फिर निप्पल शो की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बचने के लिए एक सिंपल सा हैक यहाँ पे मेरे पास है, आप अपनी किसी भी तरह की ब्रा पहनो, उसके नीचे आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के पैड्स या फिर इस तरह के पैड्स। मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे, लाइक 40-50 रुपीस में आपको इस तरह के पैड्स मिल जाते हैं। तो आप इस तरह के पैड्स ले सकते हो और अपनी ब्रा के नीचे इनको स्टिक करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कहीं नहीं जाते हैं, आप जहाँ पे लगाते हो वहीं रहते हैं, मतलब डायरेक्ट बॉडी पे। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये इधर उधर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर आप बॉडी टेप यूज़ कर सकते हो। डबल साइडेड टेप मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी कैमिसन.इन की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको हर तरह की ब्रा इजीली मिल जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की साइड, एंड वो है बैकलेस ब्रा हैक। तो क्या होता है, यूजुअली हमें बैकलेस कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर ब्रा कौन सी पहने, स्पेशली जब हमारे लहंगे या फिर साड़ी के ब्लाउज की बात आती है, तो हम उन्हें डीप गला बनवाने की सोचते हैं, नहीं बनवाते हैं। रीज़न होता है, या तो टेलर हमें बोलते हैं कि आप उसमें पैड लगवा लो, क्योंकि हमें तो पैडेड पहनना पसंद ही नहीं है, तो पैडेड ब्रा भी नहीं पहनते हैं, तो भई हम अपने ब्लाउज में पैड क्यों लगवा लें। अब बात आती है कि आप बैकलेस भी पहन लो और आपकी ब्रा भी ना दिखे, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी सा हैक है, आप साइड में देखते रहो। हैक में आप देख सकते हो कि जो हमारी स्ट्रैप्स हैं उसको निकाल लेना है, और उनको जो जहाँ पे हुक होते हैं पीछे और जहाँ पे हुक बंद करते हैं उसमें स्टिक कर लेना है। देन इस तरह से बंद करके आपका काम हो गया है। अब हैक को खुद से ट्राई करके देखना, और भी डीप नेक की टॉप ब्लाउज जो भी आपको पहना है वो पहन के देखना, आपकी ब्रा बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाली है। जो हैक है ये एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम कंफर्टेबल है, और मुझे नहीं पता कि ये आपकी ब्रा के साथ में कितना कंफर्टेबल होगा। मेरी ब्रा के साथ में तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ, बिकॉज बस कैमिसन.इन की ब्रा है जो कि डबल लेयर्ड है, जिसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और स्ट्रैप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। दैट्स वाई मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इन वाले हैक्स को ट्राई करने में, बहुत ही इजीली मेरे हैक्स हो जाते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली मैं इनको पहन पाती हूँ। दैट को भी इस तरह की लाइफ सेविंग हैक्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं, आपको बैकलेस ब्लाउज पहनने हैं लेकिन अपनी एवरीडे ब्रा के साथ में, तो आप अपनी एवरीडे ब्रा कैमिसन.इन से खरीद सकते हैं, इनकी ब्रा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। सो चलिए थर्ड हैक की साइड, स्ट्रैपलेस ब्रा हैक। सो यूजुअली मार्केट में स्ट्रैपलेस ब्राज आती हैं, लेकिन हम सबके पास नहीं होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें क्या ही ज़रूरत है। लेकिन कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि हमें स्ट्रैपलेस ब्रा की ज़रूरत पड़ जाती है, जब हमें कोई ऑफ शोल्डर टॉप पहनना हो, या फिर कोई हमें इस तरह की ब्लाउज या फिर कोई टॉप पहनना हो जिसमें स्ट्रैप्स हो, लेकिन बहुत पतली स्ट्रैप्स हो और उसके नीचे हमारी ब्रा स्ट्रैप्स विजिबल हो सकती हैं। तो ऐसे में आप इस वाले हैक को ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन इस वाले हैक में भी मैंने कैमिसन की ब्रा यूज़ करी है, जिसकी स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हैं, दैट्स वाई मुझे इस हैक को करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नेक्स्ट
है कि है एक्स्ट्रा सपोर्टिंग ब्रा। तो ब्रा से मेरा मतलब है जब आपकी जो बस्ट एरिया है वो ज़्यादा हैवी होता है और आपको एक नॉन वायर्ड ब्रा चाहिए लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देती हो, ऐसे में आप इस वाले को ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कम्फर्टेबल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी इसको पहनने में। नेक्स्ट हैक जो है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड हैक है एक्चुअली, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उन्होंने ये पूछा था कि जब हाल्टर नेक पहनते हैं, आजकल हाल्टर नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सूट में, ब्लाउज के डिज़ाइंस में, टॉप्स में, हर चीज़ में हाल्टर नेक आ रही है एंड बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है हाल्टर नेक में कि जब आप ब्रा अपनी नॉर्मल एवरीडे ब्रा पहनते हो तो उसकी स्ट्रैप्स यहाँ पर दिखती हैं। तो ऐसे में आपको क्या हैक करना है जिससे आपकी स्ट्रैप्स ना दिखें, तो आप साइड में देखो क्या किया है कि अपनी जो स्ट्रैप्स हैं उनको पीछे की साइड से निकाल लेना है और उसके बाद उन दोनों को आपस में जोड़ लिया और क्रॉस करके वापस से अपने गले में डाल लो और देखो आपकी स्ट्रैप्स जो हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाली हैं और हैक भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है अनलेस आपकी जो ब्रा है उसकी स्ट्रैप्स जो हैं वो सॉफ्ट फैब्रिक की होनी चाहिए और स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट हैक जो है वो भी एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के लिए है, जो स्क्वायर नेकलाइन होती हैं उनके लिए ये हैक है। सो स्क्वायर नेकलाइन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं, बहुत क्लासी लगती हैं, ब्लाउज में आप बनवा सकते हो, टॉप आप ले सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ी सी यहाँ से ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, दैट्स उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रैप्स हैं वो विजिबल हो सकती हैं। आप साइड में देख पा रहे हो कि साइड में जो है वो विजिबल हो रही हैं, तो ऐसे में आपको अपनी जो स्ट्रैप्स हैं उसको क्रिस क्रॉस करना है और उनको वापस से पहन लेना है, दोनों साइड ऐसे करना है और उसके बाद में आपकी जो स्ट्रैप्स हैं वो इधर नहीं आएंगी, साइड नहीं आएंगी, वो बाहर की साइड रहेंगी, दैट्स व्हाई आपकी स्ट्रैप्स जो हैं वो यहाँ से विजिबल नहीं होने वाली हैं। ये वाला हैक जो है कुछ लोगों को ट्रिकी लग सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की ब्रा यूज़ की है, आपको वो ब्रा यूज़ करनी है जिसकी स्ट्रैप्स पतली हो, सेकेंड आपको वो ब्रा यूज़ करनी है जिनकी स्ट्रैप्स ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो, जैसा कि मेरे पास कैमिसन की ये ब्रा है जिनकी स्ट्रैप्स जो है ना सिर्फ पतली हैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हैं, तो इस तरह की ब्रा यूज़ करनी है तभी आपका ये हैक सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज आई एम सो सॉरी आपका ये हैक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई ऐसी ब्रा यूज़ करते हो जिसकी स्ट्रैप्स ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है या स्ट्रेचेबल है ही नहीं या फिर सॉफ्ट फैब्रिक की नहीं है, वो उससे आपको इरिटेशन हो सकती है इस जगह पे, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छी क्वालिटी की ब्रा यूज़ करें, स्पेशली कैमिसन.इन की। तो ये थे हमारे आज के कुछ लाइफ सेविंग ब्रा हैक्स और ये सारे जो हैक्स हैं इनको अगर आप ट्राई करते हो तो आपका लॉन्जरी गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब से मैं इन हैक्स को ट्राई कर रही हूँ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कुछ भी खरीदने से पहले कि यार ये वाली टॉप खरीदूँ या फिर ये वाला ब्लाउज में डिज़ाइन बनवाऊँ, मुझे ब्रा कौन सी पहननी होगी, कहीं विजिबल तो नहीं होगी, अब मुझे टेंशन नहीं होती है क्योंकि मेरे पास इतने सारे हैक्स थे और ये सारे हैक्स आज से आपके हुए, इन लाइफ सेविंग हैक्स को यूज़ करके एक स्मार्ट गर्ल बन सकते हो। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट यूजफुल से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।